दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन वीडियो के लिए हम कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का बंदोबस्त कर दिया जाए, ताकि आप अपने वीडियो में यूज करके अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बना सके और अपने वीडियो पर ऑडियंस को रोक कर रख सके। म्यूजिक ऐसा चीज़ है ना कि इसके वजह से आपके चैनल पर, आपके वीडियो पर ऑडियंस जो होती है ना, कुछ देर तक रुकती है, पूरा फुल वॉच करती है आपकी वीडियो को। म्यूजिक के साथ साथ अगर साउंड इफेक्ट भी नहीं रहता है तो मज़ा नहीं आता है। दोस्तों आप लोगों में से नए क्रिएटर बहुत ऐसे होंगे जिन्हें म्यूजिक यूज करने में डर लगता है, उन्हें पता नहीं होता है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, तो इस वजह से वह डरते हैं और अपने वीडियो में कोई भी म्यूजिक यूज नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे म्यूजिक के बारे में बताऊंगा जहां से अगर आप म्यूजिक को लेकर अपने वीडियो में यूज करते हैं तो आपके चैनल पर कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक, कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सिर्फ म्यूजिक के बारे में ही नहीं, मैं आपको कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट के बारे में भी बताऊंगा कि आप कहां से कॉपीराइट साउंड इफेक्ट ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको हर कैटेगरी का म्यूजिक मिलेगा, हर कैटेगरी का आपको साउंड इफेक्ट मिलेगा, हर तरह का म्यूजिक मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जान लेना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वेबसाइट का नाम है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। ये YouTube आपको खुद प्रोवाइड करता है YouTube क्रिएटर के लिए, यूट्यूबर के लिए, कि आप यहाँ से म्यूजिक लेकर यूज कीजिए अपने वीडियो में, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कभी भी कोई दिक्कत आने वाला है। तो YouTube आपके लिए जो म्यूजिक प्रोवाइड करता है वो ट्रस्टेड है, खुद वो दे रहा है, तो क्यों आप पर क्लेम मारेगा, क्यों आप पर स्ट्राइक मारेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आपके सारे डाउट और आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आप लोगों में से बहुत ऐसे यूट्यूबर भी हैं, बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो एजुकेशन वीडियो बनाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना वॉइस ओवर ना दूं, सिर्फ बैकग्राउंड, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूं और वीडियो को क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ें बताऊंगा कि आप तो वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक आपको नहीं मिलता है। कहीं से अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आप लेते हैं तो उस बात का डर लगता है कि कहीं हमारे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, कहीं हमारे वीडियो पर स्ट्राइक ना आ जाए। इस बात का डर हर यूट्यूबर और क्रिएटर के लिए रहता है। तो दोस्तों अगर आप नए यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर हैं और आप एजुकेशन वीडियो बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पीछे से हम बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा यूज करें कि हमारे चैनल पर कभी भी, हमारे वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम ना आए, कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, अगर आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं या अगर आप व्लॉग वीडियो बनाते हैं या आप टेक वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो वहां से आप आराम से म्यूजिक को ले सकते हैं। हर तरह का वहां पर म्यूजिक मिलता है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड मिलेगा, टेक से रिलेटेड मिलेगा, कुकिंग से रिलेटेड मिलेगा, एजुकेशन वीडियो से रिलेटेड मिलेगा, हर तरह का आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक वहां पर मिलता है। तो वही चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडिटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी जो आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मदद करेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका पहला इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सर्च इंजन दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च करने के लिए आपके पास सर्च इंजन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए सर्च करते हैं YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। दोस्तों जैसे मैंने YouTube लिखा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर YouTube ऑडियो लाइब्रेरी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आएगा और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर YouTube.com का यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिल रहा है। हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, मतलब कि डेस्कटॉप साइट में आपका YouTube ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा YouTube ऑडियो लाइब्रेरी डेस्कटॉप साइट में ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑडियो लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलेगा। आप इस म्यूजिक का यूज कहीं पे भी करेंगे तो आपको ना कॉपीराइट क्लेम का, ना कॉपीराइट स्ट्राइक का डर रहेगा। तो ये म्यूजिक आपको कहाँ मिलेगा, मान लीजिए कि आपने पेज खोल लिया, अब आप सोचेंगे कि ये म्यूजिक कहाँ से मिलेगा। अब मान लीजिए कि इस पर क्लिक कर दिया, ये चीज़ तो आपको दिखाई नहीं देगा, तब आप सोचेंगे कि ये कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यहाँ पर मिलेगा कहाँ। आप इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, सब जगह खोजेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे आएंगे तो जैसे आप यहाँ पर आप अपने माउस को लेकर आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख देता है ऑडियो लाइब्रेरी। आपको क्या करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे
तो वो पेज ओपन होकर आ जाएगा जब हमने फर्स्ट बार उस पेज को ओपन किया था। तो जब आप ओपन करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर म्यूजिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी मिल जाता है। तो म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना स्टार्ट का, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी अगर म्यूजिक यहाँ पर मान लीजिए कि आपको पसंद आ रहा है, नीचे हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए कि आपको कोई यहाँ से म्यूजिक पसंद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस स्टार वाले पर क्लिक करेंगे ना तो वो चीज़ें कहाँ चला जाएगा, उस स्टार वाले में चला जाएगा, इसमें सेव हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ म्यूजिक को यहाँ पर चूज करके स्टार किया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सभी यहाँ पर एक जगह सेलेक्टेड है। तो आपको जो भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर म्यूजिक अच्छा लगता है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं म्यूजिक पर। म्यूजिक पर जब हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा यहाँ पर म्यूजिक देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से कोई भी म्यूजिक प्ले करके यहाँ से देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर आपको ये वाला म्यूजिक अच्छा लग रहा है तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउनलोड होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि डाउनलोडिंग फाइल, तो ये चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो कोई भी म्यूजिक अगर आपको पसंद आ रहा है, यहाँ से जो भी म्यूजिक आपको पसंद आ रहा है आप प्ले करके देखते रहिए, जो म्यूजिक आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन म्यूजिक का अगर आप यूज करते हैं अपने वीडियो में तो कभी भी आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूट्यूब खुद आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से म्यूजिक लेकर अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, आपको कभी भी आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। यूट्यूब कहता है कि ये म्यूजिक मैं क्रिएटर लोगों के लिए ही प्रोवाइड करता हूँ ताकि वो अपने वीडियो में यूज करके अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बना सके। अब देखिए दोस्तों ऊपर आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैक टाइटल, जनरल मूड, आर्टिस्ट नेम, मतलब ये कि आप यहाँ पर ट्रैक टाइटल के हिसाब से आप म्यूजिक को खोज सकते हैं, जनरी के हिसाब से आप यहाँ पर खोज सकते हैं, मूड के हिसाब से आप यहाँ पर म्यूजिक को खोज सकते हैं, आर्टिस्ट का नाम लिखकर यहाँ पर आप उस म्यूजिक को खोज सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी म्यूजिक चाहिए यहाँ से आप लोग लिखकर सर्च करके आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मूड पर एक बार क्लिक करके आपको बताते हैं। मूड पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मूड अगर एंग्री मूड में है तो यहाँ पर एंग्री पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए तो आपका म्यूजिक एंग्री से रिलेटेड आ जाएगा। अगर आपका मूड एकदम ब्राइट है तो ब्राइट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए तो ब्राइट जैसा म्यूजिक आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर डार्क वाला दिखाई दे रहा है, ड्रामेटिक वाला दिखाई दे रहा है और हैप्पी वाला, इंस्पिरेशन वाला यहाँ पर म्यूजिक आपको देखने को मिल जाता है, रोमांस वाला म्यूजिक है यहाँ पर, सैड म्यूजिक यहाँ पर मिलेगा। तो हर तरह का म्यूजिक यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको जिस टाइप का अगर म्यूजिक चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके अप्लाई कर देना है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से अपने हिसाब से, अपने लिए, अपने वीडियो के हिसाब से म्यूजिक को खोजना है और उसको डाउनलोड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया, आप लोग यहाँ से यूज कीजिएगा और कहीं से यूज मत कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ से यूज करते हैं तो कभी भी आपके चैनल के लिए खतरा नहीं रहेगा, आप बिंदास इसको यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। यहाँ से दोस्तों आप मूड का पता लगा सकते हैं कि ये किस मूड के लिए म्यूजिक है, मान लीजिए हैप्पी के लिए है कि ब्राइट के लिए है या सिनेमैटिक के लिए है या फिर ड्रामेटिक के लिए है, किस तरीके का ये म्यूजिक है, उस तरीके का म्यूजिक आप यहाँ पर देखकर उसको प्ले करके सुनकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कॉपीराइट फ्री, एकदम शुद्ध कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। और भी आपको म्यूजिक चाहिए तो आप नीचे स्क्रॉल करके आइए, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे एकदम बिल्कुल नीचे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट पेज का। तो जब आप इस पर नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पिछले पेज में चले आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 से 30 लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले पेज में 1 से लेकर 30 तक म्यूजिक है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर से दूसरा पेज ओपन होगा, सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पर म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप एक एक म्यूजिक को प्ले करके आप सुन सकते हैं और जो भी आपको म्यूजिक पसंद आता है उसको डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर
म्यूजिक के साथ साथ ही आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, एक से एक आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब हम साउंड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किड्स प्ले, जब आप इस पर प्ले करेंगे तो ये बच्चे के खेलने की जैसे आवाज़ आएगी। और भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से आइए, थोड़ा सा पकड़िए, नीचे स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर आपको बहुत ही सारा साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपको अलग तरीके का साउंड इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीन लाइनिंग दिखाई दे रहा है, सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी के साइड में लेफ्ट साइड में आपको तीन लाइन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया ट्रैक टाइटल, कैटेगरी, ड्यूरेशन। तो दोस्तों कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरीज वाइज साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ड्यूरेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको ड्यूरेशन वाइज साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि 5 मिनट का चाहिए, कि 2 मिनट का चाहिए, कि 1 सेकेंड का चाहिए, कि 3 सेकेंड का चाहिए। अब आते हैं कैटेगरी पर, कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको अलार्म से रिलेटेड अगर साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप अलार्म पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो और भी यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। कार्टून पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो कार्टून से रिलेटेड साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर क्राउड पर क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्राउड से रिलेटेड यहाँ पर साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। डोर पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो डोर से रिलेटेड यहाँ पर साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। कभी भी आपके चैनल पर आपके वीडियो कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। दोस्तों इस म्यूजिक का यूज आप किसी भी कैटेगरी के वीडियो में यूज कर सकते हैं। आप एजुकेशनल वीडियो में कर सकते हैं, टैग के वीडियो में कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के वीडियो में कर सकते हैं, आपको यहां पर हर तरह का म्यूजिक और साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां से आप लोग अगर यूज करते हैं अपने वीडियो में तो कभी भी डरने की बात नहीं है, आप बिंदास अपने वीडियो में यूज कीजिए और बेफिक्र रहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात था आप लोगों को बताने के लिए कि आप अगर एजुकेशन वीडियो बना रहे हैं तो ये म्यूजिक आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी पता चले कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।